हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित पारीक आपके अपने चैनल बीकानेर बर्ड्स इन्फॉर्मेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक तो आपको पता ही है, आपने थंबनेल और टाइटल देखा होगा कि आज इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा अपने बर्ड्स को चूहों से कैसे बचा सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये जो चूहों वाली समस्या है ये बहुत बार मेरे को देखने को मिली। मेरे यहाँ तो हालांकि चूहे वगैरह नहीं आते, मेरे जो नाली वगैरह है वो मैंने बंद कर रखी है, तो बहुत कम चांस में चूहे आते हैं तो वो चले जाते हैं वापस। तो दोस्तों, मेरे कोई भाई के यहाँ शेड है, वहाँ पे चूहों से उनके 10-15 बर्ड्स के पैरों को चूहों ने काट दिया। हालांकि चूहे शेड के अंदर तो नहीं घुस सकते, क्योंकि एक चूहे बड़े होते हैं और एक छोटे होते हैं। छोटे होते हैं वो तो चले जाते हैं, और जो बड़े चूहे होते हैं वो तो अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि बाहर से जब बर्ड्स वगैरह जाली के ऊपर चिपकते हैं तो उनके पैरों को काटते हैं, ठीक है। तो उन भाई के यहाँ क्या हुआ कि 10-15 बर्ड्स के पैरों के ऊपर चूहों ने पैरों को काट लिया बाहर से। तो वो भी समझ नहीं पाए और मैं भी पहले तो समझ नहीं पाया। मैंने देखा कि यार क्या है, तो कॉलोनी के अंदर मैं घुसा और देखा कि कोई तार वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार होता है कि तारों के अंदर जब उनके पैर फंस जाते हैं तो वो वैसे भी कट जाते हैं। फिर मैंने देखा कि जाली जाली तो कहीं से कटी हुई नहीं है। तो मैंने मतलब बहुत टाइम लगा तो मैंने देखा। फिर एक दिन मैं वहाँ पे बैठा तो क्या हुआ कि जब रात के समय हम कम्बल या कुछ तिरपाल वगैरह लगाते हैं कॉलोनी के, तो दो चूहे आए और वो क्या है कि तिरपाल के अंदर की तरफ घुस गए और चुपचाप वहाँ पर बैठे रहे। तो मैंने भी उनको देखा। फिर क्या है, बर्ड्स इधर उधर उड़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, जाली के ऊपर चिपके, तो चूहों ने उनके क्या है कि पैरों को पकड़ा। तो उस समय तो मैंने शोर करके उनको भगा दिया। तो ये क्या होता है कि आप इनसे कैसे बचा सकते हैं अपने बर्ड्स को, ठीक है। और मैंने उनको क्या गाइड दी, मैंने दोस्तों उनको 5 टॉपिक बताए हैं और आपको भी बता देता हूँ कि पहला टॉपिक तो कि हमें पिंजरे के आसपास सफाई रखनी चाहिए, ठीक है। जो चूहे होते हैं वो जहाँ पर सफाई नहीं होती, जहाँ पर कचरा वगैरह होता है वहाँ पे चूहे आते हैं, गंदगी में चूहे आते हैं। तो सफाई वगैरह रखेंगे तो चूहे बहुत हद तक कम आएंगे। दूसरा टॉपिक कि आप पिंजरे के आसपास ऐसी चीज़ें मत रखें कि उनके पीछे चूहे छिप सकें, एकदम खुला होना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिनके पीछे या नीचे चूहे छिप सके, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक ये कि अगर छिपेंगे नहीं कोई चीज़ के नीचे, उनके छिपने की जगह नहीं होगी तो चूहे नहीं आएंगे। तीसरा टॉपिक आप क्या कर सकते हैं, अगर एक दो चूहे हैं और वहाँ पर रह रहे हैं तो आप पिंजरे के थ्रू उनको पकड़ सकते हैं। हालांकि पिंजरे में चूहे पकड़े जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, पर आप पिंजरे से भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा और चौथा टॉपिक, अगर ज़्यादा संख्या में आपके वहाँ पर चूहे हैं और पिंजरे वगैरह से नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो एक घरेलू नुस्खा बता दूँ आपको जो हम लोग यूज करते हैं और मेरे भी सुना हुआ है कि जो बिल्ली होती है कैट, उसका जो टॉयलेट होता है जहाँ पर चूहे आते हैं, वो जो बिल्ली होते हैं वो टॉयलेट कर देती है, तो उस जगह पर चूहे नहीं आते। जब तक उसकी वो बदबू रहती है तो चूहे उनसे दूर दूर भागते हैं, ठीक है। आप चौथा टॉपिक ये कर सकते हैं। और पांचवा टॉपिक के अगर ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप एक पक्का काम कर लीजिए कि जो हमारा पिंजरा है केजेस है, ठीक है, या कॉलोनी है, तो आप उसके बाहर की तरफ एक जाली और लगा सकते हैं। जैसे या तो फिर 1-1.5 इंची जाली को छोड़ के एक जाली और लगा सकते हैं, जिससे क्या है कि अगर बर्ड्स वगैरह चिपके तो चूहे ना उनकी टांगों को नहीं काट सकते, ठीक है।
आप ये कर सकते हो, ये पॉइंट अपना सकते हो, 5 पॉइंट, इनसे जरूर चूहे आना बंद हो जाएगा। तो फिर मैंने उनको बताया ये 5 टॉपिक, देखते हैं अब चूहे वगैरह ना आए। और दोस्तों एक टॉपिक मैं आपको बता दूं कि जो मैं यूज़ करता हूँ, मेरे तो हालांकि आज तक कभी बर्ड्स के पैरों को चूहों ने नहीं काटा है, तो बहुत भाइयों की देखते हैं वहाँ पे कि चूहे बर्ड्स वगैरह काटते हैं। तो मैं आपको एक टॉपिक ये बता दूं कि जब हम 10 बजे लाइट ऑफ करते हैं तो 12 बजे एक बार ऊपर आ जाए, जब जहाँ पर केजेस पिंजरे कॉलोनी है वहाँ पे आप आके लाइट को वापस ऑन कर सकते हैं, और जब बर्ड्स जाली पे चिपके हो तो उन्हें वहाँ से हटा देना चाहिए, फिर वो अंदर चले जाएंगे और स्टिकों पे बैठ जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें।